अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। नमस्कार, 11 मार्च को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्टेड फिल्म द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए लंबा वक्त गुजर गया लेकिन इसकी चर्चा अब तक हो रही है। बिना किसी प्रमोशन के भी फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के नरसंहार और पलायन की कहानी ने हर किसी को भावुक किया। थिएटर से बाहर निकले दर्शक आंखों में आंसू लिए नजर आए। हाँ, वो बात अलग है कि कुछ लोगों को ये फिल्म झूठी और प्रोपोगेंडा नजर आ रही है। ऐसे लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में फिल्म का जमकर मजाक उड़ाया था। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर अब जाने माने सिंगर सोनू निगम ने रिएक्शन दिया है। एक लीडिंग टैब्लॉइड से बात करते हुए सोनू निगम ने कहा कि केजरीवाल का कमेंट सभी पंडित परिवारों के लिए अनादर है। केजरीवाल पर अपनी राय रखने वाले सोनू से पूछा गया कि क्या उन्होंने फिल्म देख ली है। इस पर सोनू निगम ने ना में जवाब दिया। हालांकि सोनू निगम ने किस वजह से ये फिल्म नहीं देखी ये भी आप जान लीजिए। इसका कारण खुद सिंगर ने सबके सामने रिवील किया। सोनू कहते हैं, मैं अंदर से रोता हूं जब वो कहानियां सुनता हूं। ये सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, मैं इस तरह के सभी अपराधों के प्रति संवेदनशील हूं। मैं इस फिल्म को देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। सोनू ने आगे कहा कि मेरी संवेदनशीलता सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस कम्युनिटी से है जो इस तरह के विद्रोही एक्ट से गुजरे हैं। वैसे आपको बताते चले, सोनू निगम से पहले फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने भी अरविंद केजरीवाल के बयान की निंदा की थी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा था, अब तो दोस्तों द कश्मीर फाइल सिनेमा हॉल में ही जाकर देखना, आप लोगों ने 32 साल बाद कश्मीरी हिंदुओं के दुख को जाना है, उनके साथ हुए अत्याचार को समझा है, उनके साथ सहानुभूति दिखाई है। लेकिन जो लोग इस ट्रेजेडी का मजाक उड़ा रहे हैं, कृपया उनको अपनी ताकत का एहसास कराएं, शेम। चलिए जाते जाते अब आपको अरविंद केजरीवाल का वो पूरा बयान सुनवाते हैं जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स को लेकर दिया था। आज सारे देश की सारी भारतीय जनता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके। पूरी सारी भारतीय जनता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है। इसलिए राजनीति करने आए थे? पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे? घर जाके बच्चे पूछेंगे, पापा क्या काम करते हो? पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं। आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अग्निहोत्री के चरणों में शरण लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया, आठ साल खराब कर दिए। बताओ, विवेक अग्निहोत्री के चरणों में उनको शरण लेनी पड़ रही है, बचा लो बचा लो बचा लो। अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है? विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? यूट्यूब पे क्यों नहीं डाल? कल एक मैंने अखबार में पढ़ा, हरियाणा के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक MLA था, उसने कहा आज मैं पार्क के अंदर इसकी फ्री स्क्रीनिंग करूंगा। तुरंत विवेक अग्निहोत्री का ट्वीट आया खट्टर साहब के, खट्टर साहब देखो ये फ्री में कर रहा है, इसको बोलो टिकट लेके करेगा। भाई साहब, कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया। आंखें खोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? वो करोड़ों कमा गया, कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोड़ों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रह गए। क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार, आंखें खोलो तुम लोग। भेड़ बकरियों की तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं। एक दिन बोले 3 का कृषि कानून लेके आए हैं, बहुत शानदार है, और फिर नीचे मैसेज आया भाई सारे जने तारीफ करो मोदी जी की, सारे बोले वाह मोदी जी वाह, क्या मास्टर स्ट्रोक है। और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन 3 कानून की खूब तारीफ की थी, बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शानदार कानून लेके आए। 1 साल के बाद फिर आया, वे 3 कानून वापस ले लिए, बोलो
फिर तारीफ करो मोदी जी की, भाई कानून बेकार थे मोदी जी क्या। इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी, दिमाग पे ताला लगा रखा, इन्होंने कहा वाह मोदी जी वाह, क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिया, देश को बचा लिया। क्या मास्टर स्ट्रोक, ये क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार। फिर थोड़े दिन बाद बोले भाई दारू की दुकानों के खिलाफ करो, फिर सारे जने दारू की दुकान बंद करो दारू की। अब दारू ठीक हो गई दिल्ली में, आजकल तो शोर नहीं करते तुम लोग। अब कश्मीर फाइल आ गई, पहले कृषि कानून, रोज काम दे रखा है तुमको, कुछ ना कुछ ऊपर से आ जाता है, काम दे रखा है अब दारू की दुकानें। मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेपी के साथियों से, आप तो अपने ही हो, आप तो सब मेरे छोटे भाई बड़े भाई, विदुरी साहब तो बड़े भाई है मेरे, आप तो सारे अपने हो यार, थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार, थोड़ा देश के बारे में सोचो। हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चमचों को नौकरी देता था, रोजगार देता था, इतिहास उठा के पढ़ो, उसने रोजगार तो दिया था, इन्होंने क्या दिया आपको, आपके बच्चों को नौकरी दी, आपके घर में कोई खाने पीने का इंतजाम करा, आपकी बिजली का इंतजाम करा, केजरीवाल काम आता है आपके, आपके भी घर की बिजली फ्री कर रखी है, दिल्ली के 12 लाख बच्चों को नौकरी दी है मैंने, स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल ठीक कर दिए, आपके घर में कोई बीमार हो केजरीवाल दवाई पहुंचाता है, मोदी दवाई नहीं पहुंचाता, केजरीवाल काम आया। मैं बीजेपी के सारे कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाहता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो, ये भेड़ चाल बंद करो, भेड़ बकरियों की तरह हांक रहे हैं ये आपको, ये सब बंद करो, दिमाग खोल के सारे जने बीजेपी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ। आपको 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 इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा, आपसे कतई झूठे नारे नहीं लगवाएंगे, राष्ट्र निर्माण में आपको साथ लेंगे हम, राष्ट्र निर्माण करेंगे आपके साथ मिलके, ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। और जो भी करना हो कम से कम यार ये पिक्चर का प्रमोशन करना तो बंद करो, ये गंदे लगते हो तुम लोग, अच्छी शोभा नहीं देता आप लोगों को यार, आप अच्छे आदमी हो, कुछ करने आए थे राजनीति में, कहां पिक्चर के पोस्टर और प्रमोशन करने में लगा दिया। कल एलजी साहब की स्पीच पूरे देश ने सुनी, एलजी साहब को एक तरह से केंद्र सरकार का नुमाइंदा माना जाता है, एलजी साहब ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी, 50% जीडीपी 5 साल के अंदर बढ़ गया, भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ा, इतने शानदार काम दिल्ली सरकार ने किए हैं कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एलजी साहब ने भी दूसरी सरकार की, आम आदमी पार्टी की सरकार की भूरी भूरी शब्दों में तारीफ की। मैं एलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।